इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार सहित नगदी रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी डकैती की घटना के आड़ में हत्या की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इसके पहले ही क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को धर दबोचा। पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 6 आरोपी वारदात करने से पूर्व क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में धराए। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रॉपर्टी कारोबारी अपने भाई की हत्या का बदला लेने की नियत से हत्यारे को मरवाना चाहता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि बदले में हत्या गोली मार के यदि नहीं कर पाए तो वाहन एक्सीडेंट करके मारा जाएगा, जिसमें सुपारी राशि 10 लाख से घटकर 5 लाख होगी। एक बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन के द्वारा जो संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो मुहिम चल रही, उसमें एक सूचना पर कि खुड़ैल में कंपेल रोड पे एक पेट्रोल पंप पे बदमाश किसी अपराध की नियत से जमा है, क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा वहां पे घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। 6 बदमाश वहां पकड़े गए, जो कि चंदन नगर, खजराना और देवगुराड़िया के पास के थे। जब उनके पास मैं असलह के उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, तो एक सुपारी लेके एक हत्या करने की स्टोरी का, कहानी का पर्दाफाश हुआ, जिसमें ये जानकारी में आया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति जितेंद्र के भाई की हत्या 13/5/2017 को हुई थी खुड़ैल क्षेत्र में, जिस पे से 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, और कपिल पटेल नाम का व्यक्ति इसमें जो आरोपी था वो इसमें गिरफ्तार हुआ था। तो जितेंद्र, जिसके भाई की हत्या हुई थी, उसने इसमें षड्यंत्र पूर्वक कुछ बदमाशों को, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पे 15-15, 20-20 अपराध हैं, हत्या के भी पूर्व से अपराधी हैं वो, उनको इसने हायर किया और उनके साथ बैठ के इसमें षड्यंत्र किया गया, जिसमें गोली से मार के हत्या करने पे 10 लाख रुपए, और अगर गोली मारने का अवसर नहीं मिल पाया और एक्सीडेंट करके अगर हत्या की गई तो 5 लाख रुपए में बात तय हुई। इस पर से पूरी विवेचना की गई, और जो पूर्व, जो उनके द्वारा जिस व्यक्ति की हत्या के बारे में, अपने भाई की हत्या के बताया गया था, उसके पूरा रिकॉर्ड से उसकी तस्दीक की गई। पूछताछ करने के बाद में फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे अन्य घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। रतलाम पुलिस ने गुम हुए करीब 46 मोबाइल बरामद कर फरियादियों को लौटाया। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग कर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से मोबाइल जब्त किए हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल सड़क पर मिला, जिसके चलते पुलिस ने नरम रुख अपनाते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया। रतलाम पुलिस द्वारा लगभग 6 लाख रुपए के 46 गुम मोबाइल बरामद किए गए। SP गौरव द्वारा लोगों के मोबाइल होने से आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए जनवरी 2018 से एक विशेष अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत वाकलवार के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया। अश्विन के तहत साइबर सेल द्वारा लगभग 100 से अधिक मोबाइल की ट्रैकिंग की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के विभिन्न स्थानों से 46 मोबाइल बरामद किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP गौरव तिवारी के द्वारा उनके मालिकों को मोबाइल लौटाए गए। पिछले 6 माह में अगर देखें तो लगभग रतलाम में 100 से अधिक लोगों ने मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसमें से पुलिस ने एक लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक अभियान के रूप में चलाया और जितने भी गुम मोबाइल थे उनके ढूंढने का प्रयास किया। उसमें से लगभग 46 मोबाइल, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है, ये पुलिस ने विभिन्न जगहों से अक्रॉस द इंडिया, मतलब कई मोबाइल ऐसे हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि जगहों में लोग चला रहे थे, उनको अवगत कराया गया। तो कई मामलों में तो लोग स्वयं छोड़ने आए, कुछ मामलों में लोगों ने कोरियर से, डाक के माध्यम से भिजवाया है। तो आज जो भी संबंधित मालिक है उनको सुपुर्द किया गया है मोबाइल फ़ोन उनके। ये मैं बताना चाहूँगा,
ये वो मोबाइल है जो कि चोरी और लूट की घटनाओं के अलावा गुमशुदगी के थे। इसमें पिछले दिनों जैसा आइए जावरा क्षेत्र में आपको ध्यान होगा, 3 दिन पहले एक लूट का मामला कायम हुआ था, मोबाइल लूट का, उसमें भी 3 लोग पकड़ाए और उनसे भी 3 मोबाइल रिकवर हुए थे। चोरी के मोबाइल भी पिछले दिनों मोबाइल बरामदगी में सहयोगी भूमिका होने पर से पुलिस अधीक्षक नगद पुरस्कार से पुरस्कृत दिए जाने की घोषणा की गई। रतलाम से सुल्तान काजी की रिपोर्ट। खरगोन एसडीएम शुक्रवार को शहर की 2 मेडिकल स्टोर्स पर जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान भंडारी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतीक मेडिकल और सराफा बाजार स्थित कृष्णा मेडिकल पर ऐसी दवाइयां पाई गई जो किसी भी मेडिकल स्टोर्स में बेची नहीं जा सकती। जांच में सामने आया कि एमआर द्वारा जो सैंपल दिखाया जाता है वही मेडिकल दोनों स्टोर्स पर विक्रय के लिए पाई गई। एसडीएम गहलोत ने बताया कि पूर्व में एक शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें इस तरह की मेडिकल से मेडिसिन दी गई है। इसी तरह शुक्रवार को भी एक शिकायत प्राप्त हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रतीक मेडिकल का निरीक्षण किया, साथ ही रेंडम के आधार पर एक अन्य कृष्णा मेडिकल का निरीक्षण करने पहुंचे। नॉट फॉर सेल की दवाइयां एमआर द्वारा दी जाती है, उसके बिक्री संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जो शिकायत सही पाई गई। ये एक मेडिकल शॉप की शिकायत हुई थी कि उसने जो है नॉट फॉर सोल्ड जो मतलब फिजिशियन को जो एमआर द्वारा दवाई दी जाती है उसकी बिक्री के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो प्रतीक मेडिकल की शिकायत थी, वहाँ पर हमने अपनी टीम भेजी थी, ड्रग इंस्पेक्टर को भेजा और शिकायत सही पाई गई। उसी के तहत में आज दूसरी मेडिकल शॉप जो है ये कृष्णा मेडिकल शॉप सराफा में जो है इसकी यहाँ पर जाँच जाँच की। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो है नॉट फॉर सोल्ड जो है दवाइयाँ प्राप्त हुई, इनको नोटिस दे के जो है ड्रग इंस्पेक्टर इसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। कितनी राशि बन रही है इसकी, कितनी राशि की दवाइयाँ मिली हैं? ये राशि का कैलकुलेशन तो अभी नहीं हो पाया है, वो तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं, कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, कुछ शुगर की हैं, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट की दवाइयाँ हैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो उसका कैलकुलेशन तो अलग से है। सर हम जगह पर जो शहर की बात करें, जिले भर की बात करें, तो कई मेडिकल ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, कई बार शिकायत में कभी कार्रवाई नहीं, आज अचानक कार्रवाई क्या वजह मानी थी? आज भी एक शिकायत हुई थी जिसके तासुम में एक जगह पर शिकायत हुई, मतलब जो है कार्रवाई की थी और दूसरी मेडिकल पर आज कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले इससे शिकायत तो हुई है लेकिन हमने देखा कि कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यहाँ तक बड़े स्तर पर बड़े स्तर के खुलासे होने की भी संभावना थी। आज यहाँ पे आज भी शिकायत हुई और कार्रवाई हुई है, इसके अलावा तो क्या मैंने आगे चल ग्रामीण व्यक्ति ने एक शिकायत की है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था और उसके बाद डॉक्टर के पर्चे के आधार पर जो दवाई खरीदी है उसमें से एक जो है एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन है वो इनको नॉट फॉर सेल वाली मिल गई है, और जो इनको बिल दिया गया है वो नॉट फॉर सेल वाली नहीं है बल्कि दूसरी दवाई के संबंध में है। तो इसके लिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बुलवाया है, उनसे पूरी इस मामले का परीक्षण करवाएंगे मौके के अनुसार और बिल के अनुसार, और उसके बाद अगर कोई फॉल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर इसमें जीएसटी का भी नुकसान हो रहा है, दूसरी दवाई लिखी हुई? हाँ, पहले तो प्राथमिकता यह है कि ड्रग इंस्पेक्टर से करवाएं, अगर उसमें इस बात की पुष्टि होती है तो फिर अन्य जो भी अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो उसकी भी जांच करवाएंगे। सर शहर में ऐसी कई जगह ऐसी नॉट फॉर सेल की दवाइयां बिक रही, आज तक कभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जानकारी होने के बावजूद भी? ड्रग इंस्पेक्टर के जो रूटीन सैंपल होते हैं वो तो वे लोग करते ही हैं, इसके अलावा कहीं ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम भी उसमें कार्रवाई करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी भारती वर्मा का निधन हो गया है। भारती विदिशा के नगर पालिका में नौकरी करती थी। गुरुवार सुबह तबीयत खराब होने के बाद भारती को पास ही के नर्सिंग होम ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर के न होने के चलते फिर भारती को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ दौरे पर गए शिवराज शाम तक विदिशा पहुंचे। विदिशा पहुंचते ही शिवराज पुत्री के मौत के गम में फूट फूट कर रो पड़े। वहीं बेटी मौत की खबर मिलते ही शिवराज की पत्नी साधना सिंह और कार्तिकेय भी तुरंत विदिशा पहुंचे थे, जहां दत्तक पुत्री की मौत के गम में साधना भी फूट फूट कर रोने लगी थी। बताया जा रहा है कि भारती विदिशा के नगर पालिका में नौकरी करती थी। गुरुवार सुबह अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद भारती को आनन फानन में पास के ही एक नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होने के चलते फौरन ही सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां भारती की मौत हो गई। जब भारती की तबियत खराब हुई तो उसे पास ही स्थित नर्सिंग होम ले जाया गया था, जहां स्टाफ ने कहा कि अभी महिला डॉक्टर के आने में समय है, इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद भी महिला डॉक्टर नहीं आई। इस बीच भारती बेसुध होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद परिजन भारती को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। भारती की शादी 1 मई 2019 को विदिशा के किसान परिवार के युवक रविंद्र मालवीय से स्थानीय गणेश मंदिर में हुई थी। शिवराज और साधना सिंह ने शादी की पूरी रस्में निभाते हुए भारती का कन्यादान किया था। विदिशा से यशपाल यादव की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की लाख कोशिश करे, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के शिक्षक शासन के मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां समय पर स्कूल के ताले ही नहीं खुलते हैं। सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर और यहां की व्यवस्थाओं का अंदाजा यहां समय पर न आने वाले शिक्षकों से लगाया जा सकता है। जिला मुख्यालय पर यह स्थिति है, जो जिले के अंदरूनी क्षेत्र में हालत क्या होंगे। दरअसल खाई स्थित शासकीय प्राथमिक शिशु मंदिर पेढ़ी में रोजाना ही शिक्षक 11 बजे के लगभग ही आते हैं, जबकि स्कूल खुलने का समय सुबह 10:30 बजे का है। बच्चे समय पर आकर यहाँ वह भटकते रहते हैं। शिक्षक अपने हिसाब से 11 बजे आते हैं। आज भी मीडिया के सामने शिक्षिका ने ताला खोला, बहाना ये बनाया कि कार्यकाल के काम से गए थे, जबकि स्थानीय लोग 11 बजे की स्कूल खुलने का समय जानते हैं। इस पूरे मामले में स्कूल प्राचार्य माधवी विदुआ ने जांच की बात कही है। क्या नाम है आपका? रूपेश। रूपेश, कौन सी कक्षा में हो रूपेश? पांचवी में हो। रूपेश, तुम चप्पल नहीं है तुम्हारे कहने? नहीं। बिना चप्पल के आते हो रोज? मैडम रोज लेट आती हैं। मैडम नहीं तो कब आती हैं लेट मैडम? मैम 10:30 पे आती हैं, पर हमें याद आता है जल्दी कभी कभी। तुम ही आया तो जल्दी कभी। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम था बता? दीपक। दीपक जी, स्कूल कितने बजे खुलता है? 11 बजे। 11 बजे खुलेगा? समय मालूम है खुलने का? हाँ 11 बजे। 11 बजे खुलता है स्कूल। कहाँ रहते हो आप? पेड़ी स्कूल खाई में। हाँ रोज की समस्या है? रोज खुलती है, एक ही टाइम लगती है ना, दोपहर में, सुबह थोड़ी लगती है। 11 बजे खुलता है। हाँ ठीक। क्या नाम है? मैडम ये हमारे इधर स्कूल है मानस मंदिर है, कौन सा है, लेट खुल रहा है मैडम। इसकी हमने एक बार आपसे पहले भी शिकायत करी थी। लेट खुलता है तो उसकी जानकारी जांच कराएंगे। विदिशा से यशपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकारी सिस्टम की हकीकत एक बार फिर सड़क पर नजर आई। जिले के राणापुर ब्लॉक के ग्राम कुंदनपुर में सड़क पर जन्मी लाडली ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल भांडा खेड़ा निवासी दीतू मेड़ा को उसके परिजन प्रसव पीड़ा के चलते उसे कुंदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा मिला। परिजनों का आरोप है कि न तो 108 मोबाइल से संपर्क हो पाया और न ही स्वास्थ्य केंद्र में कोई मौजूद था। कुंदनपुर में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने पर प्रसूता के परिजन उसे पिटोल ले जा रहे थे। उस समय दीतू ने सड़क पर ही बालिका को जन्म दे दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने प्रसूता के घर पहुंचकर उससे जानकारी ली। मौके पर पहुंचे DHO डॉक्टर पठान ने जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया। करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लेकिन सरकारी नुमाइंदे शासन की योजनाओं का पलीता लगाकर मरीज और उनके परिजनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। झाबुआ से सुनील डाबी की रिपोर्ट।